फायर सेफ्टी जैसी चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब तो करा दिया है सारे में कंप्लीट, पहले थोड़ा वैसा था पर अब करा दिया है सब में। वैसे तो डेमो वाले बच्चे अधिक हैं पर नॉर्मली कम बच्चे रहते हैं। पहले तो नहीं देख रहे थे पर अब देख रहे हैं, जब से आग लवाग लगी है यहाँ पे तो अब देखना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं मुखर्जी नगर के उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 15 जून को आग लगने से कोचिंग सेंटर में कुछ छात्रों की भी मौत हो गई थी और उसके बाद से एमसीडी पर कई सवाल खड़े हुए थे कि बिना जो फायर नोटिस होता है, जो फायर जो एडवाइजरी होता है, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके इस तरीके से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे जहाँ पर कोई भी फायर सेफ्टी नहीं था और उसी की वजह से आग भी लगी थी। और उसके बाद से एमसीडी अब कार्रवाई कर रही है और कई जो कोचिंग सेंटर या पीजी है वो सील किए जा रहे हैं। और सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसे सील किया गया था और उसके बाद हम और भी कई जगहों पे लेके चलेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये सील जो कोचिंग सेंटर या पीजी है वो हो रहे हैं। आप आइए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं कि और भी कितने कोचिंग सेंटर को सील किया गया। कल के दिन ही सिर्फ 9 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है और इसी जगह पे और भी कुछ कोचिंग सेंटर है जिन्हें सील किया गया है। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से ये जो है अभी एमसीडी वाले इसको सील करके गए हैं। आप इसके मार्क को देख सकते हैं कि रेड मार्क किया हुआ है और जो सफ़ेद जो पट्टा है वो लगाया गया है। और उसके बाद आप यहाँ नोटिस देख सकते हैं कि एमसीडी का ये नोटिस है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यहाँ पर लिखा हुआ है भी है इस प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या क्या किन किन वजहों से इसको जो है सील किया गया है। और ये देख सकते हैं कि आप शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग कॉलेज इसका नाम था और उसके बाद इन्होंने जो फायर नोटिस होता है या जो एडवाइजरी होता है उन चीज़ों का पालन नहीं किया था, इस वजह से भी इन्हें सील किया गया है। और भी चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और भी कई बिल्डिंगों में सील किया गया है। रेडी है? हाँ, तो ये एक 33rd फ्लोर पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोचिंग को यहाँ पे भी सील किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ताला लगा के इसमें भी रेड मार्क किया हुआ है। और ये क्या है, मतलब कोचिंग सेंटर था या क्या? ये कोचिंग सेंटर SSC का कोचिंग सेंटर था। किस चीज़ की पढ़ाई होती? इसमें SSC की तैयारी, UPSC की तैयारी। SSC UPSC की तैयारी होती थी। और सील क्यों किया गया, कुछ कारण पता है? सर ये तो मालूम नहीं, पता नहीं, पहले कोई नोटिस वगैरह दिए थे, इन्होंने गौर नहीं दिया होगा, वो पार देंगे पर्चे, फिर उन्होंने फिर आगे सील कर दिया। नोटिस आया था और उसके बाद इसका पालन नहीं किया गया था जिस वजह से आपको लगता है कि ये सील किया गया? हाँ, जहाँ तक अंदर सर ऐसी है कुछ। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, आपको इसके बारे में? सपोर्टिंग स्टाफ का काम करते हैं कोचिंग सेंटर। इसी कोचिंग में आप यहाँ सपोर्टिंग स्टाफ थे? नहीं, इसमें नहीं थे सर, हम हमेशा आप इसी बिल्डिंग में रहते थे, इसलिए में हमारी सर की कोचिंग है विक्रमजीत की। आप क्या बोल रहे बताइए? झाड़ू पोछे वाले हैं भाई हम। तो आपको इसके बारे में तो पता होगा ना, यहाँ कब नोटिस आया या नोटिस नहीं आया, आपको नोटिस के बारे में कुछ नहीं पता? अच्छा, इस दिवाली बन गई उनकी, तो यहाँ जो काम करते थे उनका काम भी छूट गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक नोटिस यहाँ पे भी चस्पा किए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCD की जो नोटिस है यहाँ पे लगाई गई है और सारी डिटेल्स हैं। आप जूम करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या डिटेल है, किस वजह से ये सील किया जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और जो DC है उनका यहाँ पर सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, इस पूरे ये जो नोटिस है उस पर उनका सिग्नेचर भी है। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ पे उनका जवाब भी है, जिस जो नोटिस आया था उनका उन्होंने जवाब भी लिखा है। ये भी हम दिखाना चाहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि क्या जवाब उन्होंने दिया है। और देख सकते हैं कि जो लगातार कार्रवाई हो रही है उस पर लगातार हर दिन कुछ ना कुछ कोचिंग सेंटर PG जो है वो सील लगातार हो रहे हैं। और इस बिल्डिंग में भी लगभग 4 से 5 जो कोचिंग सेंटर या जो चीज़ें हैं वो सील हुई हैं। और भी चीज़ें देखते हैं और भी बिल्डिंग में चलते हैं। तो जिस प्रकार से आपको हमने दिखाया कि कितने ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स जो है वो सील किया जा रहा है, चाहे वो SSC की हो, UPSC की हो, यहाँ मुखर्जी नगर अपने UPSC जो कोचिंग सेंटर है उनका हब माना जाता है और यहाँ पे तैयारी होती है इन सब परीक्षाओं की। और आपको दिखाया कि किस तरह से पूरे बिल्डिंग में लगभग 3 से 4 कोचिंग सेंटर चलते थे और उनमें जो है MCD वालों ने उसको सील कर दिया है। और ये सारा फायर सेफ्टी को लेके ये सारी कार्रवाई है वो हुई है। अब हम कुछ यहाँ के जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो फायर सेफ्टी जैसी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और जो ये कार्रवाई हो रही है MCD से उसको वो कैसे लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे अभी जो सील हो रही है बिल्डिंग है, आपको पता है कोचिंग सेंटर जो हो रहा है? हाँ, ये वाली बंद हो रही है। रीज़न पता है आपको? आग लग गई थी इसमें। तो और भी कोचिंग सेंटर यहाँ पे सील हुई है? हेलो,
नहीं और नहीं और तो चल रहे हैं, अब तो फिट हो गए, बंद रहा था 15-20 दिन से बंद रहा था। हाँ उसमें वायरिंग, उस बिल्डिंग में 4 कोचिंग सेंटर सील हुए उसमें। हाँ पता नहीं उसका, नहीं पता। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? मैं तो UPSI करता हूँ। UPSI। फीस भी दिया होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपने, तैयारी की होगी? लाखों लाख की फीस होगी? ना ना इतनी नहीं है, अलग अलग। जो फायर सेफ्टी है, आपको लगता है इन सब जो यहाँ मुखर्जी नगर है, इतने इतने बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं, और जो फायर सेफ्टी जैसी चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? अब तो करा दिया है सारे में कंप्लीट, पहले थोड़ा वैसा था पर अब करा दिया है सब में। और ये चीज़ आपको पता है कि जो सीट होती है 70-80 बच्चों की सीट होती है, लेकिन वहाँ 400-300 बच्चे घुसा के पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम रहता है, बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो इतनी भीड़ नहीं होती ज़्यादा पढ़ने के लिए, सुबह से शाम लो बैच लगते हैं ना, तो कम ही होते हैं। जैसे अब इसमें चल रहा है, इसमें वैसे तो डेमो वाले बच्चे अधिक हैं, पर नॉर्मली कम बच्चे रहते हैं। अच्छा, डेमो वाले बच्चे यहाँ पे? हाँ ज़्यादा रहते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग बैच में। ये चलिए तो देखा आपने। और जो ये इस कोचिंग सेंटर, जो ये सील आपको हमने दिखाया कि सबसे पहले जिस कोचिंग सेंटर के बारे में बताया कि जो सील हुई थी 15 जून को, जिसमें आग लगी हुई थी, उस कोचिंग सेंटर को में भी जो आग लगी थी उसका कारण भी यही बताया जा रहा था कि वहाँ पे जगह 100 बच्चों की थी, लेकिन 400-500 जो बच्चे हैं वो डेमो क्लासेस के लिए उस दिन आ गए थे, और उसी तरीके से डेमो क्लास चल रहा था और जिस दिन आग लगे थे, और 2-4 बच्चे भी उसमें मरे थे। अब देखते हैं और लोगों का क्या कहना, उनसे जानते हैं कि उनका क्या, उनकी क्या राय है। यहाँ पे आप कोचिंग सेंटर में तैयारी करते हो या फिर यहाँ क्या जॉब वॉब कर रहे हो? हाँ जी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? CGL की। CGL प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे जो फायर सेफ्टी है आपको लगता है वो सही है? हाँ जी हमारी कोचिंग में तो ठीक है, SS भारती में। हाँ वहाँ आपके कोचिंग में सही है? हाँ जी। आपको पता चला है यहाँ पे जितने मुखर्जी नगर में कई कोचिंग सेंटर बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं? हाँ जी उसकी वजह से सेफ्टी नहीं दे रखी उन्होंने, यहाँ पे 2 गेट भी दे रखे हैं इन्होंने, सेफ्टी भी दे रखी है पानी वानी की। आपके कोचिंग सेंटर में सारी सुविधा? हाँ जी हाँ जी, बैच भी बढ़ा रखे हैं, बच्चे कम कर रखे हैं बैच के हिसाब से। एडमिशन लेने से पहले ये सब चीज़ें आप लोग देखते हैं कि फायर सेफ्टी और इन सब चीज़ों का यहाँ व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है? पहले तो नहीं देख रहे थे पर अब देख रहे हैं, जब से आग लवाग लगी है यहाँ पे तो अब देखना पड़ रहा है। मतलब आप लोग भी अब अलर्ट हो गए हैं इसमें? हाँ जी। चलिए तो हमने जिस प्रकार से बात की, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भी यही मानना है कि जो फायर सेफ्टी है, पहले वो भी ध्यान नहीं देते थे एडमिशन से पहले, लेकिन अब जब से यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और कुछ बच्चों की जान गई थी, उसके बाद से जो यहाँ के जो अब स्टूडेंट्स भी हैं, जब एडमिशन लेने से पहले वो भी देखते हैं कि फायर सेफ्टी है नहीं है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान वो देते हैं अब। तो अब ये MCD वाले भी जो हैं अब कार्रवाई कर रहे हैं, स्वतः संज्ञान लिया था। आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ कोचिंग सेंटर में आग लगा था 15 जून को, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, और उसके बाद सुनवाई करते हुए कल यानी मंगलवार को उन्होंने बताया है, जो कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, उनके जज ने कहा है कि जो बच्चों की जो सेफ्टी होती है उससे उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ताकि जो बच्चों की सेफ्टी है वो बनी रहे, और इसी पर कार्रवाई करते हुए लगातार MCD कार्रवाई कर रही है, और हर दिन जो आए दिन 8-9 कोचिंग सेंटर PG सील किए जा रहे हैं जिन्होंने भी फायर सेफ्टी को इग्नोर किया है या नज़रअंदाज करते हैं। तो आपको हमने दिखाया भी कि किस तरह से वो MCD वाले अब सील कर रहे हैं। अब कैसी लगी हमारी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।